पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़े केस वन केस टू। केस वन में पढ़े ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज फोकस पर बनता है, और थोड़ा सामने लाए थे केस टू में, इन्फिनिटी के बाद सेंटर और इन्फिनिटी के बीच वाला था पोजीशन, जिसमें कि ऑब्जेक्ट का इमेज जो है खिसक कर सामने आया, आ गया था सेंटर और फोकस के बीच। तो अब थर्ड केस और पास लाएंगे, एक बार फिर से इन्फिनिटी पे था, और देखिए इन्फिनिटी पे था और फिर इन्फिनिटी सेंटर के बीच। अब इस बार थर्ड केस में क्या होगा, एट सेंटर, एंड फोर्थ केस में क्या होगा, सेंटर फोकस के बीच। तो थर्ड केस को आते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये कनकेव मिरर का है पोजीशन। सबसे पहले हम लोग ये कनकेव मिरर लेंगे, और कनकेव मिरर ड्रॉ करने का तो तरीका आपको पहले बताया गया है कि पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इस तरीके से घुमाएंगे तो जहां से आप रोटेट कराइएगा वो सेंटर होगा और ये आपका फोकस होगा, ये पोल। तो इस बार ऑब्जेक्ट को रखना कहां है, ऑब्जेक्ट को रखना है एट सेंटर। तो जैसे ही हम लोग सेंटर पर रखते हैं, देखिए जैसे हम लोग सेंटर पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, सेंटर पर रखा गया कुछ इस तरीके से, और पहला रे भेजते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा और वो फोकस से पास करेगा, बिल्कुल करेगा, फोकस से जाने देते हैं। और दूसरा रे फोकस से भेजना चाहे तो भेज सकते हैं, या पोल से भेजना चाहे तो पोल से भी भेज सकते हैं। चलिए हम पोल से ही भेज दें, आपकी इच्छा, जहां भेजना चाहे आप भेज सकते हैं। पोल पर भेजने के बाद होता क्या है कि सेम एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, आई इज इक्वल टू आर बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है। जब सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगा तो कुछ इस तरीके से कैंसिलेशन हुआ, कट हुआ, तो जहां पर कट हुआ वहां पर इमेज का फॉर्मेशन, आप वापस मिला दीजिए सेंटर को। इस तरीके से ऑब्जेक्ट तैयार है, ए बी इधर, ए डैश बी डैश, और ये आपका सेंटर था। यानी कहने का मतलब क्या हो कि सेंटर पर रखे तो सेंटर पर ही बन गया। सेंटर एक ऐसा पोजीशन है कनकेव मिरर के सामने, यदि हम लोग सेंटर पर रखते हैं तो सेंटर पर ही बनता है। और नेचर इमेज तो रियली रूप से रे कटा है, तो इमेज तो आपका रियल होगा, तो कह सकते हैं यहां से नेचर ऑफ इमेज में पहला आ गया रियल, और जो रियल इन्वर्टेड होता भी है भी इन्वर्टेड इस तरीके से। और यदि आप स्केल लेकर इस साइज को मापेंगे तो साइज सेम आ जाएगा। जब साइज सेम आएगा, यहां पर आप लिख सकते हैं सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरीके से। और थोड़ा यू भी एफ पर डिस्कस कर लिया जाए, यू आप तो पहले से जानते हैं, भी और एफ, यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भी क्या है इमेज डिस्टेंस, एफ क्या है फोकल लेंथ। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को तो लेफ्ट में रखा गया, लेफ्ट में रखा ही जाता है तो नेगेटिव लेंगे, और भी इमेज भी बना है लेफ्ट में ही तो नेगेटिव होगा, और फोकल लेंथ, फोकस तो लेफ्ट है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव ही होगा। कहने का मतलब है कि ये केस ऐसा है कि डायग्राम अच्छे से बनाएंगे और इस तरह सही बनना चाहिए, एक्चुअल बनना चाहिए कि सेंटर पर रखे हैं तो ऑब्जेक्ट को तो इमेज भी सेंटर पर ही बनना चाहिए। अगर इधर उधर बना इसका मतलब कहीं ना कहीं मिसिंग है। इस डायग्राम को बनाने में थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन अगर एक्चुअल डायग्राम बने एकदम स्केल का जो मेजरमेंट है बिल्कुल सही हो तो आपका सेंटर पर ही बनेगा। फोकस ठीक बीच में रखेंगे तो पक्का है सेंटर पर बनेगा, रिपीट करेंगे तो बिल्कुल सही बनता है। आगे बढ़ते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर एंड फोकस, इस हिसाब से ये मिरर है, और मिरर ड्रॉ करने के लिए मैं फिर से बता दूं आपको मिरर को ड्रॉ कैसे किया जाए ताकि एक्चुअल डायग्राम बने। पहले प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करके आप कहीं पर रखेंगे और इस तरीके से आर्क लेंगे, और जहां से आप घुमा रहे थे वो क्या था सेंटर, और ठीक बीच में स्केल से मेजर करके फोकस और ये पोल। तो इस बार ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रखा गया था पिछले केस में, और अगले केस में क्या किया जाता है सेंटर फोकस के बीच रखा जाता है। सेंटर फोकस के बीच लीजिए, सेंटर फोकस के बीच एक ऑब्जेक्ट को रखा गया कुछ इस तरह, जब इस तरह रखा गया अब हम लोग इमेज बनाने के लिए रे ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजते हैं, और अकॉर्डिंग टू रूल
इट पासेस फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, कुछ इस तरह, यानी वो फोकस से पास करेगा रिफ्लेक्शन के बाद। अब दूसरा रे आपकी मर्जी, जहां भेजना चाहें भेज सकते हैं, फोकस से, पुल से, चलिए पुल से भेज देते हैं, इक्वल एंगल बनाते हुए कर देंगे, कहीं से भी रे, चार रूल में जो भी रूल लगाना है लगा सकते हैं, इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट कराइए, अंदाज से इक्वल एंगल बनाते हुए लौटा देते हैं, तो कुछ इस तरह, यहां पर कैंसल हुआ कटा, तो जहां कटा वहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो चुका है कुछ इस तरीके से। चलिए इमेज भी आपके सामने ड्रॉ कर दिया जाता है, तो यहां पर इमेज बन चुका है, इमेज का नाम भी दे सकते हैं, पहले ऑब्जेक्ट ए बी, इमेज ए डैश बी डैश। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप सेंटर फोकस के बीच रखे हैं तो इमेज बन चुका है बियॉन्ड सेंटर, या यू कैन राइट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर। तो ये आप पहले यहां पर नेचर ऑफ इमेज ले लिख दिया जाए, नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज में क्या हुआ कि यहां नेचर ऑफ इमेज कैसा है बताइए, रियल है और फिर इन्वर्टेड है, और फिर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा बड़ा है तो इसको आप सिर्फ लार्जर लिखेंगे, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरह। और यदि हम पोजीशन की बात करें, कहां बना है पोजीशन ऑफ इमेज, तो आप लिख सकते हैं बिटवीन सेंटर एंड इन्फिनिटी, यानी आप इसको ये सा भी लिख सकते हैं बियॉन्ड सेंटर, बियॉन्ड सी, और थोड़ा साइन कन्वेंशन लगा दें यू वी एफ, तो बताइए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा है, लेफ्ट है ना, तो नेगेटिव लिखेंगे, इमेज भी बना है लेफ्ट तो नेगेटिव लिखेंगे कुछ इस तरीके से। और अगर आप ध्यान से देखें तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव ही है, पिछले के केस में पोजीशन नहीं दिखाया गया, आप खुद से भी दिखा सकते हैं कोई बात नहीं। यहां पर हम एक टॉपिक ले लेते हैं जिसको यहां लिख देते हैं, अगर आप पीछे नहीं लिखे हैं तो लिख दीजिएगा पोजीशन, जस्ट वन मिनट, पोजीशन ऑफ इमेज, देख लीजिए एट सेंटर, इसमें एट सेंटर था, तो कहने का मतलब है कि सेंटर फोकस के बीच रखा गया तो आपका सेंटर से बाहर चला गया, इन्फिनिटी सेंटर के बीच या बियॉन्ड सेंटर। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं इमेज पीछे खिसकता जा रहा है, इमेज पीछे चला आ रहा है और इमेज का साइज भी बढ़ रहा है, और ये फोकस तक ही होगा, अगले केस में हम लोग फोकस पर रखेंगे, उसके अगले केस में पोल फोकस के बीच रखेंगे, इस तरीके से। बाकी आप अगला केस अगले वीडियो में देखेंगे, फिलहाल के लिए थैंक यू, लेकिन एक्चुअल डायग्राम आप जरूर बनाएंगे, थैंक यू, धन्यवाद एंड शुक्रिया।